हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो, हमने देखा था उस दिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने फ्लुरेनी के बारे में पढ़ा था। अब देखो, हम बेसिकली क्या देखेंगे कि हम जो हाइड्रोकार्बन की स्टडी है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हमें केवल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। यहाँ पर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी हम पढ़ रहे हैं, कार्बन फैमिली पूरी। तो ये जो आपके 10th में चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, देखो यहां पर जो ये बेसिक बना रहा है आपके 12th में, पता है ये पूरी की पूरी एक बुक्स आएगी इसकी, इसी के कंपाउंड्स की। हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं उसको। कार्बन की जितने भी कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री होती है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानी जाती है ज्यादातर, ठीक है। तो अब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है बेसिकली, देखो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। अब देखो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब इन्हीं से मिलकर जुड़ने वाले कंपाउंड्स। आप देखो कौन से हो जाएंगे, जैसे हमने बात की कि कार्बन 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 ये कंपाउंड बनते जा रहे हैं, यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, ये तो हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। अब एक हमने हाइड्रोजन हटा दिया, हमने लगा दिया क्लोरीन। तो अब देखो यहां पर कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के बाद हमने लगा दिया यहां पर क्लोरीन और बाकी सारा हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, उन्हीं से तो मिलकर बना है ना, इसी से तो बना है वो। एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो उसी का तो डेरिवेटिव कहलाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हो, बायोलॉजी में उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, आगे आगे वाली पीढ़ी। तो इसी से मिलता जुलता कंपाउंड है और दूसरा एलिमेंट का हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। अब वो डेरिवेटिव में कौन कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी है, अब डेरिवेटिव में कौन कौन से एलिमेंट्स और आ जाएंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे हैलोजन, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, ऐसे बहुत से कंपाउंड आ जाएंगे, बहुत से एलिमेंट सॉरी आ जाएंगे जो हमारे डेरिवेटिव्स बनाएंगे। जो मेनली आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कहलाते हैं डेरिवेटिव्स। तो आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसकी पूरी की पूरी चीजें आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम करते हैं तो वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कैसे बनता है, सबसे पहली चीज प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कैसा दिखता है, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फलाना ढिमकाना हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे स्पीसीज के साथ रिएक्ट करके कौन सा नया कंपाउंड बनता है, क्या बनाता है, जहर बनाता है या खुशबूदार कंपाउंड बनाता है, ठीक है, एसिड बनाता है, बेस बनाता है, सॉल्ट बनाता है, बनाता क्या है, तो वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केवल 3 चीज पढ़नी होती है, कैसे बनाते हैं उसको, उसकी प्रिपरेशन, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो हम सारे का सारे 12th में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हमने आधी बात करी, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये सारी चीज लिखते जाना, आप सारी प्रॉपर्टीज की पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है, ऐसे 2-3 और हैं लेकिन कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए वो एक बहुत करोड़ों बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स खुद बना लेता है अपने टाइप्स के, ठीक है, अपने आप को जोड़ जोड़ कर, ठीक है। तो जैसे हमने बात की, आपने रोबोट मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें हमारा वो ग्लोब भी बना लेता है रोबोट मिलकर, है कई टाइप के, वो एक टाइप ऑफ कैटिनेशन है, तो यही कार्बन करता है। फुटबॉल बना लेता है कभी कभी, फ्लोरिन है कभी कभी, टेट्राहेड्रन बना लेता तो हमारा वो बन जाता है क्या, डायमंड, और हेक्सागोनल प्लेटिंग बना लेता है, ग्रेफाइट बन जाता है, ऐसे ढेरों कंपाउंड्स वो बना लेता है, ढेरों,
ठीक है, लेकिन अब उसमें डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं, इसीलिए वो एलोट्रॉप्स नहीं कहलाते। वैसे इसके 7-8 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, हमें 3 केवल पढ़ने हैं 10th के सिलेबस में, ठीक है, और देख सकते हो आप आगे हम बिल्कुल बताएंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी क्या नेक्स्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अगर एलिमेंट सेल्फ लिंकिंग होकर कॉम्बाइन होकर, ठीक है, बड़े बड़े नए नए कंपाउंड्स बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हेडिंग डाल सकते हो आप कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारा सिलिकन की भी होती है, ठीक है, जर्मेनियम सल्फर भी हमारा बना लेता है, तो ये हमारे कैटिनेशन प्रॉपर्टी में आता है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग कंपाउंड, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ये समझ में आ रही बात की नहीं, ये सारे कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, इसको नोट कर सकते हो। अब देखो देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, उसकी कैटिनेशन की डेफिनेशन और लिख लो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड से हम जुड़कर ये कई तरीके के टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कई साइजेस के ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, चेन मतलब सिंगल चेन में इस तरीके से। ठीक है, इसको देख लिया करो, ये हाइड्रोजन ही होगा, अगर हमने नहीं लिखा तो ये सारा हाइड्रोजन ही लगे होंगे यहां पर, ये नोट कर लिया करो अगर कहीं इस फॉर्म में दिया जाए तो। समझ में आ रही बात की नहीं, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये नोट कर लेना, इसको बोलते हैं कंप्लीट। अगर तुम्हें हाइड्रोजन इंडिकेट हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। जुड़ा हुआ मतलब जैसे ये हमारा CH3 हो गया, तो इसको हमने साथ में कलेक्ट करके रख दिया CH3, फिर क्या है ये CH2 है, फिर क्या है CH2, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कंपाउंड, 9 कार्बन के कंपाउंड आप बना दोगे ऐसे, CH2 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 CH2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर लास्ट में क्या है CH3, यहां पर CH3 है। तो ये होता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं कंप्लीट या ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म। क्लियर होनी बात करी, तो ये देखो ये हमारे लॉन्ग चेन कंपाउंड्स भी बना लेते हैं और रिंग भी बना लेते हैं। ये रिंग होगी, देखो कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, आपको कार्बन की 4 बैलेंसी बैलेंस करनी है खत्म। अगर यहां पर कार्बन कार्बन एक बन गया तो 3 हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर दोगे। समझ आ रही बात है नहीं? कभी कभी आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा ये, क्लियर, तो आपको ये नोन होना है यहां पर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं। ठीक, अब कार्बन हो गए ये, तो 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 क्या लगेंगे, हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन लगा दो ना ऐसे। समझ में आ रही बात कि नहीं, ऐसे नोट कर लिया करो। अब देखो ये साइकिल फॉर्म भी बना सकते हैं, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, तो कई टाइप की ये रिंग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और चेन कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की सबसे बेस्ट होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर 1 कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। समझ आ रही बात कि नहीं? तो ये आप नोट कर सकते हो अच्छे से, तभी हमने आपको बता दिया कि आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते, हमने आपको डिटेल में लिख के दे दिया। और ये सारे स्ट्रक्चर बना लो जल्दी फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आइसोमर्स। देखो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि देखो उसके केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। केमिकल फॉर्मूला मतलब हम देखेंगे उसको डिटेल में, मतलब केमिकल फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा और स्ट्रक्चर अलग अलग मिल जाएंगे, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मतलब सेम केमिकल फॉर्मूले के कंपाउंड्स होते हैं, दो अलग अलग, सेम केमिकल फॉर्मूला मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला, जैसे हमने बात कर ली, जैसे होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये लिख सकते हो आप, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, ये होता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला, ये भी शुगर होती है, तो ये दोनों आपस में होते हैं आइसोमर्स। क्या होते हैं ये आइसोमर्स, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो फिर अलग क्या है, अलग इनके अंदर की चीजें हैं, जब इनका स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे पूरी चेन एंड वगैरह, तो ये अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो चीज हमें समझनी है यहां पर कि वो क्या होते हैं आइसोमर्स। देख लो एक बार डेफिनेशन देख लो, ए प्रॉपर्टी इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला
बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन दोनों की अलग अलग है एंड दिस फॉर्मिंग ऑफ आइसोमर्स फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रही बात? आपको पता है इनकी प्रॉपर्टीज में फ्रक्टोस ग्लूकोज में कौन सबसे ज्यादा मीठा है? फ्रक्टोस सबसे ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, स्वीट ज्यादा होता है। तो ये होता है आइसोमर्स। अब देखो आइसोमर्स में हमें 10th में बहुत बहुत कम पढ़ने हैं, चेन आइसोमर्स पढ़ने हैं। हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में बहुत टाइप आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चर स्टीरियो, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। तो हमें केवल स्ट्रक्चर में केवल हमें पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म 10th में, और कुछ नहीं पढ़ना। तो हम केवल चेन आइसोमेरिज्म में जाएंगे। यहां पर इसको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो आइसोमेरिज हमारे होते हैं जिनके सेम केमिकल फॉर्मूला होता है दो अलग अलग स्ट्रक्चर के, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। प्रॉपर्टीज में कुछ भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, सब कुछ हो सकता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आइसोमेरिज जैसे हमने पढ़ना है चेन आइसोमेरिज, क्या पढ़ना है? चेन आइसोमर्स पढ़ना है, चेन आइसोमर्स जैसे हमें बनाना है, जैसे हम बनाते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन देखो अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ब्यूटेन हमने बताया था चार कार्बन का अल्केन, हमने अल्केन की बात की थी ना, तो चार कार्बन का अल्केन है, ठीक है, ये इसका कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम ओपन स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला, C4 है और H कितने हैं? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो H10, ठीक है। अब इस केमिकल फॉर्मूला के और अलग अलग कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं देख सकते हो आप? देखना है आपको, बिल्कुल देखो। तो देखो कैसे कैसे बन सकते हैं आप चेन आइसोमेरिज में, चेन अलग अलग कौन कौन सी हो जाएंगी, चेन में हमारा एक ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। अब ये चेन हो गई, ये आपस में एक ही बॉन्ड बचेगा, तीन तो बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन। अब देखो C4 है यहां पर और H कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ऐसे ये बना लेंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं? ऐसे ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं, क्लियर। इनकी रिंग्स भी बन जाएंगी, ठीक है, रिंग भी बन जाएंगे। तो ये हमारे बनते हैं क्या? चेन आइसोमर्स। अब इसका एक और आइसोमर्स बन सकता है, कैसे बनाएंगे हम देखो, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। अब देखो इसका एक और बन सकता है, लेकिन चेन आइसोमर्स में केवल दो आएंगे, एक रिंग वाला भी बन जाएगा, लेकिन हम रिंग वाला बनाएंगे नहीं, रिंग वाला बनाएंगे नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम नहीं बनाएंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये चीज इसको हटा देगा, हमें केवल चेन आइसोमर्स में केवल दो बनाने हैं, ये चेन वाला पूछ रहा है। तो यहां पर तीन कार्बन की चेन है और यहां पर कितने कार्बन की चेन है? यहां पर बनाओ CH3, CH2, CH2 और CH3, यहां पर सिंपल नॉर्मल कार्बन ये है, ठीक है, ये चार कार्बन की, तीन कार्बन की। यही अगर हमने यहां पर अभी किसका देखा हमने? ब्यूटेन का। अगर हम वहीं देखें पेंटेन को, मतलब पांच कार्बन वाले को, तो वहां पर कितने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। देखो केमिकल फॉर्मूला सेम है दोनों का, अब प्रॉपर्टीज बदल गई ना, इनका इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे जब हमारा चेन बड़ी होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, चेन हमें देखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर कि इसका पेंटेन में देखेंगे, तो पेंटेन मतलब पांच कार्बन का एल्केन, पांच कार्बन के एल्केन के कितने आइसोमर्स बनते हैं? आप भी प्रैक्टिस करो कॉपी में बना के कैसे बनाएंगे। देखो कार्बन हमारा पांच हो जाएगा, तो कार्बन पांच में हमारा ये हो गया, ठीक है, पांच कार्बन हो गए, पांच कार्बन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहां पर CH3, CH2, इसको फिर से सही से बना, देखो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, क्लियर, पांच कार्बन हो गए। अब देखो यहां पर कितने हैं? C5 और H कितने हैं? 12 है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा अल्केन हो गया। अब कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो ये हमारा सिंपल नॉर्मल पांच कार्बन का हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपने आप से बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये पांच कार्बन का हो गया, अब देखो चार कार्बन का कैसे बनाओगे, चार कार्बन का ऐसा हो गया, एक यहां पर CH3 लगा दिया, ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है और ये H2 है, ठीक है, यहां पर CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3, देखो सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, ये इनके अलग अलग चेन बनेंगी। यहां पर देखो
चार कार्बन की चेन है, यहां पर पांच कार्बन की चेन है। अब तीन कार्बन की बन सकती है क्या? बिल्कुल बना दो अगर बनाना है तो। तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। तो यहां पर कितने कार्बन की बन गई? यहां पर तीन कार्बन की बन गई। ठीक है, तो इसके तीन आइसोमर्स बन सकते हैं। ये क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? ये पेंटेन। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसके तीन चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूला हमने लिख दिया, ओपन स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। आगे हम और भी चीजें देखेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट। ठीक है, तो हम आइसोमर्स बना सकते हैं ब्यूटेन के, पेंटेन के। ब्यूटेन के दो बनेगी चेन आइसोमर्स और पेंटेन के तीन चेन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, इसको फिगर आउट कर लो जल्दी।